नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। देखिए, हम 5-6 दिन से लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल से हमारा हंगरी स्ट्राइक चल रही थी। ये लड़के हमारे कुछ 3-4 लड़के हैं जो कल रात से इधर है, ना कुछ खाया ना पिया है। तो हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारी मांगे सुनो, नहीं तो ये लड़के इतने गुस्से वाले हैं, हम इतने बेरोजगार हैं, अभी हम उठने का नाम नहीं लेंगे। आज ये 3-4 भूखे रहे हैं, इसके बाद 1400 लड़का आज से या कल से स्टार्ट हो जाएगा भूखे रहने के लिए। तो प्लीज़ मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी मांगे सुनी जाएं। जितने भी ज्वाइनिंग, जो जिनके भी मेडिकल फिट हैं, सबको ज्वाइनिंग दी जाए। जो आप नेक्स्ट वैकेंसी हमें जम्मू वालों को देना चाहते हो वो आप कैंसिल कर दीजिए, और उनमें से जो आप 10,000-5,000 वैकेंसी देना चाहते हो वो हमारी कैंसिल कर दो। हमें सिर्फ 1400 वैकेंसी इस भर्ती के लिए दे दो। जो ऑल मेडिकल फिट लड़के हैं उनको आप ज्वाइनिंग दे दो सर, प्लीज हमें मत तड़पाओ सर, नहीं तो हम भी उठने वाले नहीं है। ये तो हम तो है ही बेरोजगार है, हमारी है भी लास्ट भर्ती है, हम इसके बाद तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई और ट्राई कर लो, ट्राई तो वो करेगा ना जिसके पास चांस होगा, हमारी है लास्ट भर्ती, हम क्या चांस करेंगे। कुछ कह रहे हैं कि आप कोई और काम कर लो, आप हमारी जगह पे आ जाओ, हम बैठ जाते हैं आपकी जगह कुर्सियों पे, आप कर लो हंगर स्ट्राइक। प्लीज सर हमारी रिक्वेस्ट सुनिए, ये लड़के बहुत परेशान हैं, बहुत गरीब घर से उठ के आए हैं। प्लीज सर हमारी लास्ट मांग यही है गवर्नमेंट से, जब तक आप नहीं सुनोगे हम भी उठने वाले नहीं हैं, हम भी भूख हड़ताल पे यहाँ पे आपके ऑफिस के बाहर बैठे हैं जब तक हमारा कोई हल नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।